गुड मॉर्निंग डियर किड्स एंड वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास. किड्स एज यू ऑल नो दैट इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 दैट इज फॉर्मेटिंग इन MS Word. एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू टॉपिक्स दैट इज हाउ टू बोल्ड अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू अंडरलाइन अ डॉक्यूमेंट एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन. एंड इन योर टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज हाईलाइटिंग टेक्स्ट. क्या मतलब होता है एक टेक्स्ट को हाईलाइट करने का और क्या जरूरत होती है टेक्स्ट को हाईलाइट करने की और कैसे किया जाता है टेक्स्ट को हाईलाइट, तो चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं. Sometimes you may need to mark a specific piece of text with some color in order to grab the reader's attention. Means कई बार हम लोगों को क्या होता है किसी एक स्पेसिफिक पीस को किसी एक स्पेसिफिक मीन्स किसी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को या किसी एक इम्पॉर्टेंट लेटर को आपको हाईलाइट करना होता है. क्यों? क्योंकि आप ग्रैब मतलब अटेंशन किसी की अपनी तरफ खींचना, ग्रैब मतलब खींचना, तो आप चाहते हैं कि जो आपका रीडर, आपका कोई भी पर्सन, आपका वो लेटर पढ़ रहा है उसका ध्यान जो है आपके उस टेक्स्ट के ऊपर, उस स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर जाए. तो उस वर्ड को आप क्या करते हैं, उस वर्ड को आप हाईलाइट कर देते हैं कि जो भी वो लेटर आपका पढ़ रहा है उसका ध्यान उस वर्ड पर सबसे पहले जाए. बच्चों जैसे कि आपका होता है, अगर मैं आपको कोई वर्क सेंड करती हूँ तो अगर मैंने किसी चीज़ को अलग से कलर कर रखा होता है तो आपका ध्यान उस पर जल्दी जाता है, आप उसको जल्दी अच्छे से पढ़ते हैं. तो बस वही है, किसी भी वर्ड को कलर कर देना किसी हाइलाइटेड कलर से, किसी चमकने वाले कलर से कि वो अलग से आपको शो हो सके. तो ऑप्शंस लेट यू ऐड द टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर्स. ऑप्शन लेट यू ऐड अ कलर्ड बैकग्राउंड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू हाईलाइट टेक्स्ट डू एज फॉलो. सबसे पहले आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी हाईलाइटेड. जो भी टेक्स्ट आपको, जो भी लाइन, जो भी वर्ड आपको हाईलाइट करना है, कलरफुल करना है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट कैसे करते हैं, आप लोगों को आता है माउस की हेल्प से. क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना है. अब क्वेश्चन आता है होम टैब होता कहाँ है, तो ये आपका MS Word का पेज होता है. इस टाइप से कुछ पेज खुलता है. इसमें यहाँ पर छोटे छोटे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं. यहाँ पर ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको होम टैब का. जैसे ही आप होम टैब पर क्लिक करेंगे आपके ये ऐसे करके एक पेज खुल के आएगा. इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन मिल रहे होते हैं. इसमें ये वाला देखिए, बोल्ड का ऑप्शन, अंडरलाइन, इटैलिक, ये तीनों यहाँ मिल गए आपको. यहाँ से आप हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अपनी, जैसे भी आपको लिखना है. यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा. और ये जो ए बी देख रहे हैं और साथ में छोटा सा ब्रश देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है कि आप इससे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे के सारे कलर खुलाएंगे. और इस पर अगर आप ये छोटा सा ट्राइंगल बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते ही आपका पूरा चार्ट खुल जाएगा. आपको जो भी कलर पसंद है सिर्फ उस पर क्लिक करिए और आपका, आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था वो आपका हाईलाइट हो चुका होगा, वो कलरफुल हो चुका होगा. बस आपको इतना ही करना है अपना टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए. हाईलाइट होने के बाद टेक्स्ट कुछ इस टाइप से शो होता है. जो भी कलर आप चूज करेंगे वो कलर आपको ऐसे शो होगा. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज द अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट मीन्स पोजिटिंग ऑन द टेक्स्ट बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट. मीन राइट
एजेस ऑफ अ पेज, मीन्स आपको किसी भी टेक्स्ट को जो है साइड से करना है, कहीं भी कोने पर लेकर जाना है, या मान लीजिए आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल बीच में आ गया है, आपको उसको साइड में लेकर जाना है, या कहीं भी अपने टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइप ऑफ एलिमेंट आइकन्स, एक्सप्लेनेशन शॉर्टकट की, शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन। टू अलाइन द टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट एज ऑन द पेज, मतलब कि आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को, किसी भी सेलेक्ट की हुई लाइन को पेज के बिल्कुल कोने पर लेकर जाते हैं, किनारे पर लेकर जाना चाहते हैं, एजेस मतलब किनारा, पेज के किनारे पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पेज को, उस लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एल कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एल करेंगे, आपकी सेलेक्ट हुई हुई लाइन सब पेज के बिल्कुल कोने में चली जाएगी, ये बिल्कुल कोने पर आ जाएगी, लेफ्ट साइड पर, सेंटर। अब आपको सेलेक्ट की हुई लाइन जो है वो सेंटर में लानी है। आपने कुछ लिखा तो वो आपका किनारे पर चला गया, ऊपर नीचे हो गया, बट आपको उसको बिल्कुल पेज के मिडिल में लाना है, तो क्या करना है, आपको मिडिल में लाने के लिए सिर्फ कंट्रोल और ई प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ई करेंगे, आपका सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। अब आपको राइट साइड में लेकर आना है, तो राइट साइड में भी लाने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सेलेक्ट करना है सबसे पहले पूरा टेक्स्ट, उसके बाद कंट्रोल प्लस आर कर देना है। टू अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट एज ऑफ द पेज, इट इज जनरली यूज फॉर स्मॉल कंटेंट लाइक एड्रेस, पेज नंबर, डेट एक्सेट्रा। ये किस लिए होता है, स्मॉल आपने छोटा सा कोई टेक्स्ट लिख दिया, एड्रेस है, पेज नंबर है और डेट है, तो इसको कहाँ लिखते हैं, इसको हमेशा पेज की लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, सॉरी राइट साइड पर लिखते हैं। आपने कहीं भी लिख दिया, अब आप चाहते हैं कि राइट में चला जाए, या तो आप उसको स्पेस दे देकर लेकर जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि एकदम से पहुंच जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल कंट्रोल प्लस आर कर देना है। जस्टिफाई टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द पेज, इट एड स्पेस बिटवीन द वर्ड्स व्हेनेवर नेसेसरी, इट गिव्स अ रिफाइंड लुक टू द डॉक्यूमेंट। मीन्स आपने जो है डॉक्यूमेंट ऐसे ही टाइप कर दिया, जल्दी जल्दी में आपने जो है डॉक्यूमेंट के बीच में जो है स्पेस नहीं दिया, उसको ठीक से लाइन अप नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्लस जे कर देंगे, तो इसका मीन्स होगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट के साथ जस्टिफिकेशन हो गया, जस्टिफाई हो गया, मीन्स वो जो है बिल्कुल आपका सीरीज से लग गया, बिल्कुल लाइन से लग गया, वो सारी लाइनें अपने आप लाइन से हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ स्पेस की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ खुद ही डॉक्यूमेंट में अपने आप स्पेस आ जाता है, तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्लस जे करना होता है। अब आपने पढ़ा कौन कौन सी शॉर्टकट की पढ़ी आज आपने पढ़ी कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट एलिमेंट के लिए, सेंट्रल में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, राइट में करने के लिए कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे। हमने पढ़ा आज कि इन सब का क्या यूज़ होता है, और डॉक्यूमेंट में कैसे कैसे लाइंस को कहाँ कहाँ किसके शॉर्टकट की हेल्प से लेकर जाया जाता है, और कैसे आपका डॉक्यूमेंट हाईलाइट किया जाता है, और क्या उसका यूज़ होता है हाईलाइट का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।